राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मसाला भिंडी की रेसिपी। ना हम इसमें प्याज टमाटर और ना ही हम इसमें लहसुन यूज करने वाले हैं। सिंपल तरीके से बनाई है और टेस्ट में इतनी लाजवाब है कि आप जब भी मसाला भिंडी बनाएंगे ना, इसी तरीके से बनाएंगे। इसलिए रेसिपी को पूरा जरूर से देखिए। देखने और बनाने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। जो मसाला है ना, वो बढ़िया सा बनना चाहिए, तभी जो भिंडी है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैंने यहाँ पर एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। एक चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। एक चम्मच हम इसमें ये आमचूर पाउडर डालेंगे, जिसे हम ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो हमारी भिंडी है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगी। अब हम डालेंगे इसमें ये एक चम्मच के करीब चाट मसाला डालेंगे, जो भिंडी है ना बिल्कुल एकदम चटपटी बनाने वाले हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये एक चम्मच किचन किंग मसाला, और ये आपके पास है तो आप इसे ज़रूर से डालिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक से डेढ़ चम्मच के करीब ये सौंफ, जो फेनल सीड होते हैं ना, मैंने उनको पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। तो मुझे बेसिकली जो भिंडी है उसमें सौंफ का जो पाउडर है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और मैंने इसमें डाल दिया है। और मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है जीरा पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जो मिक्सिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। अब ये काफ़ी ड्राई है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक से डेढ़ चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे, जिससे जो मसाला है अच्छे से कंबाइंड हो जाएगा और जो भिंडी है उनको स्टफ़ करने में आसानी रहेगी। मतलब ये बिखरा हुआ नहीं रहेगा, आसानी से भर जाएगा। तो हम इसमें ये ऑयल डाल देंगे। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या सिंपल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि जो मसाला है वो अच्छे से कंबाइंड हुआ है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन मुझे ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसमें आधा चम्मच के करीब ऑयल और डाल दूँगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए भिंडी की जान, जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है। इसे मैं साइड से रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक किचन टॉवल पर ये भिंडी ली है, इनको मैंने धोकर अच्छे से किचन टॉवल पर डाल दिया है, और मैं इसे पोंछ लूँगी। जो इसमें मॉइस्चर है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और मैंने लगभग 300 ग्राम्स के अप्रोक्सी भिंडी ली हैं, इनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, और अब मैं इनको कट करती हूँ। तो हमें कट किस तरीके से करना है, जो भिंडी है उसके ऊपर और नीचे का जो पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। अब मैं इसको बीच में से स्लिट करूंगी इस तरीके से, और जो भिंडी है वो नीचे से जुड़ी रहनी चाहिए और ऊपर से हम इस तरीके से कट करेंगे। एक बार खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, जो ऊपर और नीचे का पार्ट है उसे हम कट करेंगे। बीच में से इस तरीके से हम इसको स्लिट कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे तो जो भिंडी है बढ़िया है। अब हम इसके अंदर मसाला कोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने बनाया है ना उसे मैं भिंडी में इस तरीके से भर दूंगी अच्छे से। बिल्कुल हमें इसे स्टफ कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो जो सारी भिंडी है इसी तरीके से हम स्टफ कर तैयार करेंगे, आसानी से हो जाती हैं। और मैंने इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी भिंडियों को स्टफ कर लिया है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से हमने इनको फिल किया है, अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की नीड नहीं है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ये पैन लिया है, इसमें मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी ये आधा चम्मच अजवाइन डाल दूंगी मैं इसमें, और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी राई, जिसे हम मस्टर्ड सीड कहते हैं, और 2 पिंच के करीब मैं इसमें हींग डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, या आप हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी।
जो काफ़ी टेस्टी बनेगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो भिंडी मसाले में कोट कर कर रखी थी उनको हम इस तरीके से पैन में अरेंज कर देंगे। तो जो सारी भिंडी है उनको मैं पैन में इस तरीके से डाल दूंगी। सारी भिंडियों को मैंने इस तरीके से पैन में डाल दिया है और अब हमने जो मसाला बनाया था वो थोड़ा मसाला बच गया है, तो मैं क्या करूँगी उस मसाले को भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालना है, सारे मसाले हमने स्टफ करते हुए अच्छे से डाल दिए हैं। तो जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी और अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। लेकिन एक से दो बार हम इसे बीच बीच में चला देंगे जिससे जो भिंडी है वो पैन की तली में लगेगी नहीं। और लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भिंडी है अच्छे से पक चुकी है और जो ऑयल हमने डाला था वो भी सेपरेट हो गया है, बढ़िया सा कलर आया है और एकदम मसालेदार चटकारेदार हमारी ये भिंडी बनी है। काफ़ी टेस्टी लुकिंग आई है इनकी और मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो देखिए बढ़िया से हमने इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए मैं आपको एक बार इनकी लुकिंग भी दिखा देती हूँ, कितनी बढ़िया हमारी ये भिंडी बनी है। उससे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए बढ़िया से भिंडी बनकर तैयार है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इसे पराठे पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं, जो काफ़ी टेस्टी बनी है। तो इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।